हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल JD साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी TSSC पिट के लिए जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, अंकित भाटी सर का जो प्रैक्टिस सेट उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें 1 से 15 तक उसमें प्रैक्टिस सेट थे और 2 प्रीवियस ईयर थे, जिसमें हमने आपको 1 से लेकर 11 तक एक ही वीडियो में बना दिया है, जो 3 घंटे का है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपके हमने 1-1-2 वीडियो बना चुके। आज हमारा इसका 14वां जो है प्रैक्टिस सेट होगा, मतलब ये 14वें नंबर का होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 से 11 तक एक ही वीडियो में आपका GS के प्रैक्टिस सेट है वो बना दिए हैं, और 1-1 अलग से। आज यहाँ से 14 और 1 इसमें आप बचेगा उसको भी हम करा देंगे, तो आज ये 14वां जो है प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और उधर हम कुछ स्टैटिक के भी 10 टॉपिक करा चुके हैं और हिस्ट्री के भी 3 टॉपिक करा दिए हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा, वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए भाई, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहने की ऋग्वेद के 8वें मंडल की हाथ से लिखी ऋचाओं को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा कहने सूक्ति, खिल, मंत्र या क्रिया। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर जो है, खिल कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, और इसमें सरस्वती नदी का जो है वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, और आप जानते हैं वेद आपके 4 हैं। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा, 15 वर्ष। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि किस शासक को अमित्र घात कहा गया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आप कह रहे हैं कि अजातशत्रु, बिंबसार, बिंदुसार या अशोक। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिंदुसार को जो है अमित्र घात कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जिसका अर्थ है शत्रुओं का विनाशक। अगला है, कह रहे हैं कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबार में थे? देखिए, यहाँ से आपसे पूछा जाता है गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो आप जयदेव बोलेंगे, या इनमें से कौन सा जयदेव की रचना है तो गीत गोविंद। तो कई प्रकार से ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो आपको तीनों प्रश्न इसमें ध्यान देना है, गीत गोविंद भी और जयदेव को भी, और ये किस शासक के दरबारी थे। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंस प्रश्न है आपका ये। अगला देखते हैं, कहने की शिवाजी की कर व्यवस्था किससे प्रभावित थी? बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, किससे प्रभावित थी ये, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, मलिक अंबर से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने किस अंग्रेज गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो वॉरेन हेस्टिंग्स पर 1785 ईस्वी में बर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया था। किसके द्वारा? बर्क द्वारा, परंतु इनको 1795 में जो है इस आरोप से इन्हें क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि अमार सुनार बांग्ला किस आंदोलन में पहली बार गाया गया था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन में। और यह जो है अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन चुका है, आप जानते हैं, और इसके रचनाकार भी आप जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। ठीक है, अगला है, कह रहे कि किसके आग्रह करने पर महात्मा गांधी भारत लौटने को राजी हो गए थे? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, CF एंड्राई यूज। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी नंबर। देखिए, 9 जनवरी 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है महात्मा गांधी लौटे थे, इसीलिए हर साल इनके इस उपलक्ष्य में जो है हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो है 1915 में आए थे। कई बार प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है,
कह रहे हैं कि भारत छोड़ो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, बताइए भी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ आपका ऑप्शन है कह रहे महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, यूसुफ मेहर अली। तो कौन थे भाई? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली। अगला था, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भंग किया गया? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1873 के अधिनियम से जो है इसको क्या कर दिया गया भाई, समाप्त कर दिया गया। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसे जो है 1 जनवरी 1884 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से क्या कर दिया जी भाई, भंग कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहे कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, करें पीलीभीत, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी या बिजनौर से। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिजनौर। तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी प्रवेश करती है वह बिजनौर जिले में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए गंगा जो है, गंगा नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सही है, तो गंगा नदी की आप जानते हैं कुल लंबाई कितना है, 2525 है, ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या भाई, डी नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछा जाता है घास के मैदानों से। ठीक है, घास के मैदानों से आपको यहाँ प्रश्न आता है, पूछा जाता है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा आपका सही है, कह रहे केन्या, कैंपास, अर्जेंटीना, चलिए कह रहे कि केन्या, ये कैंपास, अर्जेंटीना, पंपास, वेनेजुला, सवाना या संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपीज। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए सही वाला आपको बताना है कि कौन सा सही इसमें सुमेलित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्जेंटीना जो है पंपास के, अर्जेंटीना में जो है पंपास के घास के मैदान पाए जाते हैं। देखिए घास के मैदान ऊपर दिए और देश दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही मिलान कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन आपका बी नंबर दे। देखिए केन्या में कौन सी पाई जाती है घास, सवाना, और वेनेजुएला में लानोस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सही नहीं है, तो वेनेजुएला में कौन सी घास का मैदान पाया जाता है भाई, ये लानोस पाया जाता है। ठीक है, लानोस, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पेरी पाई जाती है, स्टेपीज नहीं, पेरी। ठीक है, पेरी इधर लिख देते हैं, पेरी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सही सुमेलित कौन सा है यहाँ पे, अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, ये पंपास। ठीक है, तो ये देश है, घास के मैदान है, तो ये जो है आपके एक प्रश्न यहाँ घास के मैदानों से पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहने की राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है भी। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करनाल, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1923 में। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है, तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन से राज्य में, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये जो है किस नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर, कहा नर्मदा नदी। अगला है, कह रहे हैं कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान को निकोबार द्वीप से। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह या जो है 572 द्वीपों से मिलकर बना भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये भी पूछा जाता है भारत का कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये बैरन द्वीप है। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
और यहाँ की जो महत्वपूर्ण चोटी है कौन, सैडल पीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है कह रहे कि हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कहा था, अच्छा और आगे, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजकृष्ण। आपका डी नंबर हो जाएगा, राजकृष्ण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे कि संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। अगला प्रश्न है, अगला है कह रहे कि भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा बी नंबर, वाणिज्यिक बैंक, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। तो भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसको द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है, तो ये वाणिज्यिक बैंक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, कृषि क्षेत्र, जो कितना है लगभग, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि का लगभग 54.6% का योगदान है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है करें कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडम स्मिथ को, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, एडम। करें वर्तमान में भारत में उन न्यायालयों की संख्या है, तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कितनी भी कहें 20, 25, 22 या 23, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25, तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25, ये अनुच्छेद कितने में, 214 में, ठीक है। आपको यहाँ तीन कथन दिया गया है और आपको विचार करना है इनमें से कौन सा कथन सही है। कह रहे कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सही ऑप्शन हो जाएगा, पर आपका पहला कथन आपका सही है, तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, आपका ऑप्शन सही। करें राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां नहीं भाई, सही कितनी है आपकी, 24 तीलियां हैं। करें कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, तो ये आपका असत्य है, 3:2 है, 3:2 है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए कथन कौन सा है, कथन एक ही सही है, तो आप यहाँ पे आपके कूट थी, देखिए कूट है, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल क्या करूँ, कथनों पे कौन सा सही है, तो केवल सही की कौन सा भी एक, ठीक है। अगला है कह रहे कि किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संविधानिक प्राधिकार अधिकारी है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषणा करने का अधिकार किसको है, तो किसका है भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति, मतलब भारत के राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। अगला है करें इस भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्पादन और सृजन के संबंध में अंतर्विष्ट है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 169, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विधान परिषद वर्तमान में कुल कितनी है आपके, 6 राज्यों में है, कितनी, 6 राज्यों में है, जिसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में विधान परिषद
है। तो आपको वर्तमान में पूछे कि विधान परिषद संख्या कितनी है, 6, ठीक है, 6 राज्यों में। अगला है, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, फफूंदी। अगला है, कह रहे कि मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मस्तिष्क को, ठीक है। देखिए इस रोग में जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की सुरक्षात्मक झिल्ली जिसे मेनिनजेस कहा जाता है, या यहाँ पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिस कारण में यहाँ तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली को बाधित करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा पता लगाता है, तो यहाँ आपको बताना है कौन सा उपकरण जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए एमीटर से क्या मापा जाता है, ये विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इलेक्ट्रोमीटर जो है विद्युत आवेश मापने का यंत्र है, ठीक है। और वोल्ट मीटर आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, अगला है, कहें समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर स्पेस कहलाती है, क्या कहलाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वेग। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वेग, ठीक है। वेग का मात्रक आपसे पूछेगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए बल क्या होता है, बल एफ बराबर एम ए, ठीक है। एम आपका एम द्रव्यमान है, ए जो है त्वरण है, एफ जो है बल है, ठीक है। देखिए बल की परिभाषा क्या कहते हैं, कहने कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं, ठीक है। त्वरण देखिए आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण का मीटर आप यूनिट आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का समान नाम है, तो यहाँ आपको बताना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का समान नाम है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ठीक है। तो CaOCl2 जो है इसका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला। तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए बेकिंग सोडा को रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या भी सोडियम बाई कार्बोनेट, तो बाई से मतलब दादी याद रखना, उसमें क्या करना है, बाई आपको किचन में क्या डालती है, सोडा डालती है खाने वाला, ठीक है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, ठीक है। और फिटकरी का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है भाई, K2SO4Al2SO4 का होल थ्राई 24H2O, ठीक है। क्या भी लिख दें, K2SO4Al2 इधर लिखते हैं SO4 का होल थ्राई डॉट 24H2O, ठीक है। ये निर्जलीय जल होता है, 24H2O, ठीक है। चलिए अब आपका आएगा करंट के प्रश्न 51 नंबर से। कह रहे कि अमन सहरावत किस से संबंधित हैं, तो किस खेल से ये संबंधित हैं अमन सहरावत। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ये किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुश्ती से। अगला देख रहे हैं, भी अगला है, कह रहे कि दुनिया का सबसे अमीर नगर किसे घोषित किया गया है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला है, करके छत्तीसगढ़ के किस चावल को GI टैग मिला है, तो किसको मिला है भी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, नागरी दुब राज को। अगला है, करे किस राज्य की सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना का आरंभ किया है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, किसने किया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, केरल। अगला है, करे कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो ये किसे दिया गया भी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आशा भोसले को। अगला है, करें आरबीआई के गवर्नर जनरल ने अप्रैल 2023
महीने में रेपो दर कितनी घोषित की है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6.50%। आइए अगला देखते हैं। फिडे के नए शतरंज विश्व चैंपियनशिप कौन है? तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिंग लिरेन। करें कि शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई? तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा में। करें उत्तर प्रदेश में कहां पर पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बनाया जा रहा है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, लखनऊ में। करें भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाले नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस लाइनेक्स जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करें कि सेशल्स की राजधानी का नाम क्या है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा, विक्टोरिया। तो सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। कंपाला किसकी राजधानी है? ये कंपाला किसकी राजधानी है? ये युगांडा की है। कहां की? ये आपकी युगांडा की है, ठीक है। स्वांडा, स्वांडा की राजधानी क्या है? किगाली। ये स्वांडा जो है किगाली राजधानी है, स्वांडा, स्वांडा की राजधानी किगाली। और अंगोला, ये लुआंडा जो है ये किसकी राजधानी है? ये अंगोला की राजधानी है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि डांस फार्म और उसके राज्य की सही जोड़ी कौन चुने? तो यहां पे आपको सही जोड़ी वाला बताना है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। कह रहे कि दलखाई कर्नाटक, कालबेलिया हिमाचल प्रदेश, थांगटा बिहार या पड़ायनी केरल। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा सुमेलित है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका सही सुमेलित कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पड़ायनी जो है केरल का डांस है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही सुमेलित है। देखिए यहाँ दलखाई, दलखाई जो है कर्नाटक का नहीं है, ये उड़ीसा का है। कहाँ का भी? उड़ीसा का है। और कालबेलिया, कहें कालबेलिया हिमाचल प्रदेश का, ये हिमाचल प्रदेश का नहीं है, ये कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है, ठीक है। और थांगटा कहें बिहार का है, नहीं ये मणिपुर का है, ठीक है। कहाँ का है? मणिपुर का, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहें कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 मार्च को, ठीक है, 3 मार्च को। 14 सितंबर आप जानते हैं हिंदी दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को आप जानते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कहने की चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, धनवंतरी पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये और देखिए पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और ज्ञानपीठ जो है ये साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। और बोरलाग पुरस्कार किसमें दिया जाता है? ये भी ये कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर पूछा है, सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहे कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे किया गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मीरा कुमार को, ठीक है। अगला है, कह रहे निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय शक्ति मिशन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो अर्जेंटीना का खेल क्या है भी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाटो। तो अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है भी पाटो। तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहां सही हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। अगला है, कह रहे कि सप्तरथ मंदिर कहाँ पर कहाँ अवस्थित है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कहाँ भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाबलीपुरम में। ये कहाँ है? महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में। अगला है, कह रहे केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है?
सही ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धनबाद में। धनबाद ये कहाँ है, झारखंड में। अगला देखते हैं भी, कहने के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आप जानते हैं, आसान प्रश्न है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। ठीक है राजस्थान। तो इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया, अगर पसंद आया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।